सोशल मीडिया पर अंबेडकर के बाप का ग्रुप व ग्रुप निर्माता तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा बाबा साहेब भारद्वाज व अश्लील शब्दों का प्रयोग अपमानित टिप्पणी करने व दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन देते हुए जिलाधिकारी को कहा गया कि फेसबुक पर एक अंबेडकर का बाप के नाम से एक ग्रुप प्रचलन में है, जिसमें ग्रुप का निर्माता आशीष मकवान आशुतोष पंडित के द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों को जानवर के रूप में प्रदर्शित करके अपमानित किया है तथा बाबा साहेब पर आशीष मकवान व आशुतोष पंडित द्वारा अभद्र व अश्लील शब्दों के प्रयोग करके दलित शोभित समाज की भावनाओं को आहत किया है। दलित शोभित समाज बाबा साहेब को अपना भगवान व मसीहा मानता है। यदि हमारे मसीहा को अपमानित करने व दलित शोषित समाज की भावनाओं को आहत करने वाले अम्बेडकर के बाप ग्रुप के निर्माता तथा अन्य दोनों व्यक्तियों आशीष मकवान व आशुतोष पंडित जिन्होंने समाज में विरोध पैदा करने का काम किया है को जल्द ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई नहीं की गई तो अम्बेडकर युवा छात्र सभा घर से लेकर सड़कों तक विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसका जिम्मेदार शासन व प्रशासन होगा। संबंध आप यहाँ आए भैया, ये है कि कोई ग्रुप है बाबा साहब के बाप के नाम से, उसमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ व्यक्ति हैं जो बाबा साहब को मतलब बाबा साहब का जानवर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। बाबा साहब की प्रतिमा के आगे जूते चप्पल लगाए गए हैं और बाबा साहब के लिए बड़ी मतलब जो अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है, गाली गलौज शब्दों का प्रयोग किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित शोषित समाज के हमारे मसीहा हैं। यदि हमारे अपने इस मसीहा के विषय में यदि कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का अगर इस तरह का खुराफात करेगा या हम लोगों को दलित शोषित समाज की भावनाओं को आहत करेगा तो हम लोग सड़कों पर इसके लिए पूरा आंदोलन करेंगे। और यदि हमारी यदि उस व्यक्ति दोषी व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया तो हम सड़कों से लेकर अगर जहां जितने भी स्तर होगा हर स्तर पर गली मोहल्ले पर सड़कों पर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जब तक इस व्यक्ति की अगर व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता है, जो दोषी व्यक्ति हैं इन्हें नहीं पकड़ा जाता है, हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। बाबा साहब के बारे में बड़ी निंदा की है, बाबा साहब के बारे में बड़े कठोर शब्द बोले हैं, तो बड़े अपमानित शब्द बोले हैं, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की पूरी मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उसे अरेस्ट किया जाए। अभी आप कहाँ पर आए? हम इस टाइम मतलब मुरादाबाद जिलाधिकारी के पास आए हैं और इनसे हम अपनी मांग रखने आए हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जिस व्यक्ति ने बाबा साहब के खिलाफ इतना घोर अपराध किया है, उल्टी सीधी बातें की हैं और दलित शोषित समाज की भावनाओं को आहत किया है, तो हम जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना आए हैं, ज्ञापन देना आए हैं कि हमारी मांगों को जल्दी माना जाए और ऐसी दोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति को जल्दी अरेस्ट किया जाए। क्या लगता है आपको, किस तरह के लोग हैं, क्या सोची समझी साजिश है माहौल खराब करने के लिए? माहौल खराब जिस तरह से आज सोची समझी साजिश तो है ही कि पूरे प्रदेश के अंदर एक मनुवादी भावनाएं बिल्कुल देश के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। दलितों शोषितों का मतलब जिस तरह से अपमान किया जा रहा है तो ये सोची समझी साजिश के तहत ही किया जा रहा है।